एक बार फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। इस टाइम हम जैतापुर वाले हाईवे पे खड़े हुए हैं और यहाँ से ये लोकेशन जाता है जैतापुर पचपड़वा मार्ग पे। और आज हम चलेंगे रतनपुर की ओर और रतनपुर का गांव देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि रतनपुर का गांव किस तरीके का है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में देखते रहिएगा। और दोस्तों एक बार फिर से नए ब्लॉग में स्वागत है गाइस। आज हम चलते हैं रतनपुर की ओर और रतनपुर का लोकेशन आज देखेंगे, वहाँ के गाँव को देखेंगे और आप सभी लोगों को उस गांव का दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके का गांव है और कैसा वहां का कस्बा है। तो ये रोड जो जा रही है, ये इस टाइम ये जा रही है पचपड़वा मार्ग है, जैतापुर वाली रोड पे हैं और जैतापुर यहां से 16 किलोमीटर है और रतनपुर वहां से 12 किलोमीटर है। तो चलेंगे रतनपुर और वहाँ का आपको दिखाएँगे गाँव किस तरीके का है। बस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे लाइक करते रहिए और मुझे मिलियन तक के पहुंचा दीजिए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं रतनपुर की ओर। तो गाइस ये जो है ये मेरा पाला के हिस्सा है, पालापुर से आप आ रहे हैं और ये हरियाली आपको कहाँ मिलेगी जो गांव में मिलती है। तो बस इसी को घूमने के लिए आज रतनपुर का गांव देखेंगे किस तरीके का गांव है और आपको भी दिखाएं। बस रतनपुर घूमने का मूड हुआ, हमने कहा चलते हैं रतनपुर और गांव उधर देखते हैं कि वहां का लोकेशन किस तरीके का है और गाँव कस्बा किस तरीके का है। तो चल रहे हैं उसी की तरफ, हालांकि जैतापुर रोड ये है और जैतापुर से फिर रतनपुर की ओर जाएंगे और आपको भी वो गांव दिखाएंगे। और गांव का लोकेशन मस्त है, दिल खुश हो जाता है जब अपने एरिया में घूमने में और अपना एरिया दिखाने में। हर इंसान को घूमने का पूरा हक है, हर जगह जाने का हक है। तो चलते हैं, घुमाते हैं और आप भी घूमते रहिए, बस वीडियो में देखते रहिए मस्त होकर के और ऐसे दिखाते रहेंगे। गाइस अभी सीधे जब चलेंगे इस रोड पे तो आएगा सिंगार जोत और सिंगार जोत का भी वहाँ का दृश्य दिखाएंगे कि वहाँ का पानी किस तरीके का है और भराव है कि नहीं है। तो चल रहे हैं, देखते हैं वहाँ का क्या हिसाब है, आप लोगों को भी हम दिखाएंगे तो हम भी देखेंगे। तो मेरे जितने यूजर हैं, व्यूअर्स हैं, सबको मैं दिखाऊँगा अपना ही गाँव अपना शहर। ऐसी हरियाली कहाँ मिलेगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। लंबा सफ़र है और घूमने निकले हुए हैं, काफ़ी दिन से मूड बना रखा था कि चलेंगे घूमने के लिए और इस तरफ की हरियाली देखेंगे। हालांकि गांव में इस टाइम गन्ने की खेती भी हो रही है, गेहूं भी खड़ा हुआ है, हरा हरा जो आप देख रहे हो गेहूं की खेती है, चारों तरफ गेहूं का खेत है। तो गाइस इतनी दूर तक के निकल आए हैं, अब आगे भी बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते चलते हैं। सिंगार जोत पड़ेगा, सिंगार जोत में आपको दिखाएंगे, उसके बाद में हम आपको रतनपुर का गांव भी दिखाएंगे जहाँ पे हम चल रहे हैं। तो आप देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिए, वीडियो पर लुक उठाते रहिए। ये है मटियारी कला, मंदिर दिया हुआ है, सभी गांव वाले यहीं आकर के पूजा वूजा करते हैं। चलते हैं आगे, अप्लाई बोर्ड भी जा रहा है साथ में, होली खत्म हो गया है, होली वाले घूम रहे हैं। जो मज़ा जो है वो अपने गांव में घूमने में है वो कहीं और आता भी नहीं है। हर एरिया घूमा, हर जगह घूम फिर के आए, मज़ा नहीं मिला। ये हरियाली आपको कहाँ मिलेगी। जोत आएगा तो सिंगार जोत आपको हम दिखाते हैं। गाइस ये सिंगार जोत है और इस टाइम पानी की जो कमियाँ हैं इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। एक समय था कि यहाँ पे जब बाढ़ आया था तो पूरा गांव, पूरा ये सारा गांव डूब गया था। Thank you.
गाइस ये सिंगार जोत है और ये काफ़ी पानी था, इस टाइम पानी बहुत कम चल रहा है। एक समय था कि ये बाढ़ आया हुआ था 2022 में, जिसके वजह से पूरा गांव का क्षेत्र जो था वो डूब गया था, मतलब जलमग्न हो गया था सारा एरिया, यहाँ का सारा पानी पानी। और इस टाइम अभी पानी का जो बहाव है वो बहुत कम है जो देखने को मिला। अब आगे चलते हैं, हम आगे भी आपको दिखाते हैं। हम लोग नहीं जाए करके, अच्छा सेल्फी नहीं है, मैं यूट्यूबर हूँ। और यहाँ पे कुछ महिलाएं मिली हैं और जिनको साधन नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से मुझे मिली तो मैं इनको अपना बैठा लिया गाड़ी पे और मैं इनको ले जा करके इनको जहाँ पे जाना होगा वहाँ छोड़ दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी आगे भी बहुत कुछ मिलेगा देखने को, आपको भी दिखाते रहेंगे। मैं भी एक यूट्यूबर हूं, बट मैं वीडियो नहीं बनाती हूं। अच्छा यूट्यूबर हो, किस नाम से व्लॉग है? मधु मिश्रा ऑफिसर। ओके चलो नेक्स्ट मिलते हैं, आगे वीडियो में देखते रहिए आगे। इनको छोड़ दिया इनकी जगह पे और पीछे गांव है यहीं पे उनको उतार दिया। अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर, आओ आगे आपको दिखाते हैं। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो का मजा लेते रहिए। ऐसे कोई भी मिलता है तो उनका साथ जरूर देते हैं, ये मेरा काम है और मुझे मज़ा मिलता है ऐसे लोगों की मदद करना। यहाँ पे 5 किलोमीटर रह गया जैतापुर, और जैतापुर के पहले ही 5 किलोमीटर पहले ये 3 लोग सदस्य मिले, जो लेडीज़ थी एक बच्चा था, और उनको साधन ना मिलने के कारण मैंने ये मुझसे बोलने लगी तो मैं उनको उनके स्थान पे छोड़ दिया और वो अपने स्थान की ओर चली गई। तो मदद करना चाहिए, हर इंसान को मदद करना चाहिए। अगर कोई ऐसा परेशान आदमी खड़ा है और उसको साधन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है उसके पास, तो उसको मदद कर दो, वो अपने घर चला जाए और उसका ही आशीर्वाद मिल जाए, बहुत बड़ी बात है ना। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत काम करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। 5 किलोमीटर रह गया था अपना, खैर 3 किलोमीटर जैतापुर रह गया है और जैतापुर रोड है, और फिर उसके बाद रतनपुर गांव चलेंगे और वहां के गांव को भी देखेंगे, वहां की खूबसूरती को भी देखेंगे कि किस तरीके का वहां पे किया हुआ है, और दिखाऊंगा मैं उस एरिए को, क्योंकि किसी ने बुलाया है तो उनके गाँव घर भी जाएंगे, देख लेंगे। दिन दिन का मौका है, चलो घूम के आते हैं। तो जैतापुर क्रॉस करेंगे, फिर रतनपुर क्रॉस करें रतनपुर जाए चलेंगे, और फिर वहाँ के लोगों को देखेंगे, वहाँ की गांव को देखेंगे, वहाँ की मार्केट को देखेंगे, देखते हैं मज़ा मिलेगा। आप भी मज़ा करिए, हम तो मज़ा कर ही रहे हैं। गाइस इस टाइम हम जैतापुर चौराहे के पास पहुँच चुके हैं, अब वहाँ का चौराहा दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का चौराहा है और कहाँ कहाँ रोड ये जाता है। एक तरफ बल्लामपुर जाता है, एक पचपड़वा तरफ मार्ग जाता है। कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर? हाँ। तो गाइस 3 किलोमीटर अभी शेष बचा हुआ है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि रतनपुर कितने दूरी पर है। तो कैसे पहुंचा जाए, सीधी रोड गई है? हाँ, सीधा रोड। तो एक भाई मिले हमें, इनको मैं बुला रहा हूँ, यहाँ आओ। आप क्या करते हो यहाँ? बस यही काम है, भैंस चराते हो? अच्छा, तो ये कौन सा गांव है? तो आगे है, अच्छा। तो इस टाइम है। अच्छा, जवाह के बाद क्या नाम है आपका भाई? विनय कुमार। विनय कुमार, एक भाई से हम मुलाकात किए हैं, विनय कुमार मिले हमें और उनसे पूछा मैंने कि रतनपुर जाना है, और बहुत मोहब्बत से मेरे पास करीब में आए हैं और अब बताया कि ये 3 किलोमीटर शेष रह गया है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलते हैं वीडियो में, आगे और दिखाते हैं। कोई पुल है, खैर इसका नाम हम तो नहीं पता, लेकिन एरिया अच्छा है, गाँव अच्छा है, इस एरिए के नाम। अब यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया रतनपुर, तो चलते हैं रतनपुर की ओर। रतनपुर क्रॉस कर चुके हैं और इस टाइम भोजपुर की ओर बढ़ रहे हैं। ये गांव है, ये रास्ता गया हुआ है, बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन
भोजपुर जाने के लिए। और ये गांव का माहौल, खूबसूरती का माहौल है ये। अब पीछे भैंस आ रही है, उसके साथ में एक महिला आ रही है जो हाँकते हुए आ रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं। ये हरियाली कहाँ मिलेगी जो गांव में है। भोजपुर पहुंच गए हैं, थोड़ी दूर रह गया है, मात्र आधा एक किलोमीटर रह गया है। खेत देखा तो रुक गया मैं यहाँ पे, और इतनी खूबसूरती देख रहा हूँ यहाँ। इधर इस साइड मटर की खेती लगी हुई है, और ये भी शायद मटर ही है। बहुत अच्छा एरिया है और देख करके दिल खुश हो रहा है। अब चल रहे हैं मदन के यहाँ, और मदन के यहाँ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर वापसी भी आना है। तो जिसके वजह से हम निकले थे वहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक के आए हैं और यहाँ तक पहुँचे। हालांकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन सोचा था तो चल दिया घर से इस वजह से। तो आगे अब चलते हैं, आगे दिखाते हैं भोजपुर। पेट्रोल टंकी पड़ेगा आगे, पीछे हमारा जो है अभी आरा मशीन पड़ा है। हालांकि मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाया, जल्दी में था। और अब जो है भोजपुर की ओर ये रास्ता गया हुआ है, ये भोजपुर का रास्ता है। तो वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ का लोकेशन मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ का गांव दिखाऊँगा। एक खेत में दादाजी घूम रहे हैं, उनसे पूछते हैं ये कौन सा गांव है, वो बताएंगे हमें कि कौन सा गांव। अरे दादा, ये कौन गांव है? अरे ये काय खेती है ये? ये लाही और मसूरी का है। तो ये दादाजी हमें बता रहे हैं लाही और मसूरी, क्या 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 मसूर की दाल का। हाँ अच्छा, ये खेती है, देखने में दिल खुश हुआ। और ये भाई साहब भी मिले हमें, ये भी बहुत अच्छे आदमी हैं, और इनसे मुलाकात किया। रास्ते में भोजपुर मुझे जाना था। हाँ। तो भोजपुर क्या किलोमीटर है? भोजपुर बस यही है, पास भी भोजपुर दिखा रहा। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने बताया है कि थोड़ी दूर रह गया है, मात्र आधा किलोमीटर या 20 एक किलोमीटर की दूरी है। तो वीडियो में बने रहिएगा, दादाजी को भी नमस्कार, जय हिंद जय भारत करते रहिएगा, है ना। नमस्कार दोस्तों, कुछ कहना चाह रहे हो अपने खेती के बारे में? खेती के बारे में अच्छा खेती करते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा, फसल अच्छा पैदा होता है। अच्छा, और देखभाल करता हूँ। तो कै बीघा खेत है आपका? खेत ये है 3 एकड़। 3 एकड़। हाँ। अच्छा, तो सब में क्या क्या बोए हुए? लाही है, मसूरी है, गेहूँ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात हुई। अब आगे चलते हैं, आगे आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा और लुत्फ उठाते रहिएगा। फिर मैं उस एरिया में जा रहा हूँ भोजपुर, और भोजपुर एरिया में आपको दिखाऊंगा वहाँ का गांव। तो अभी एक दादा मिले, उनसे मुलाकात किया, लाही और उसमें खेत में थे, और बहुत अच्छे आदमी हैं, और ये जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो चलते हैं आगे की ओर। गाइस, इस टाइम हम भोजपुर चौराहे पे चल रहे हैं, और करीब में पहुंच गए हैं, मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे रह गए। आप जब भी निकलिए गांव की तरफ, और गांव का लुक देखिए, थोड़ा खूबसूरत है। शहरों से तो भाग होना अच्छा, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, और काफ़ी पटो का साफ करना है, आगे की ओर बढ़ेंगे। और जहाँ भी ये चौराहा जो है, ये भोजपुर है, और भोजपुर से उस चौराहे से होते हुए हम उस गांव की ओर जाएंगे, और वहां पे लगभग हम पहुंच ही गए हैं इस गांव की तरफ, भोजपुर की ओर। तो चलते हैं भोजपुर, और वहां का दिखाते हैं गांव। हाँ, ज़रूर कहेंगे गाइस कि गांव में चलते चलते मज़ा बहुत आ रहा है, धूप भी बहुत है, और खेत खलिहान भी देखा, दिल बहुत गार्डन है। तो आगे चलते हैं, आगे वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का यहाँ का गांव है। और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, कि आप हमें सपोर्ट करते रहिए, कि जिसके वजह से हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और आप लोग आप तक के पहुँचाएँ। कहाँ रहेंगे हम, वीडियो बनाओ। तो गाइस, हम यहाँ तक के पहुँच चुके हैं,
और ये भोसपुर चौराहा है और ये मार्केट है यहाँ का, और जिससे मिलने आए थे वो शख्स यहाँ बैठा हुआ है। कम से कम कुछ नहीं तो 22 किलोमीटर पड़ा है, 22 किलोमीटर की दूरी थी और यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में दिखाते रहेंगे आगे भी। गाइस स्कूल माली शिक्षा परिषद के बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और ये लोग निकल रहे हैं अपने घर से। तो गाइस एक तरफ तो माध्यमिक शिक्षा परिषद का कॉलेज है, कॉलेज बना हुआ है, एक तरफ मॉडल साहब खुला हुआ है जो वो भी देसी ठेका। ये भोजपुर चौराहा का है ये। और ये आ रहे हैं मेरे धर्मवीर, वो चलते आ रहे हैं। ये जात है पचपाड़वा और मामला रहा ना सरहद पर, तो जाओ चलो है? तीन है एक गाड़ी तो टूटी तो ना हाँ, कहाँ जाओगे? खाना नहीं खाए हो? गाइस अब हम लोग मार्केट के अंदर जा रहे हैं और यहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे और लेकर के फिर हम अपने मदन के घर पहुँचेंगे और फिर वहाँ पे रुकेंगे और देखते हैं क्या लेते हैं। लेगा तुम ले, अभी तो मार्केट के अंदर जा रहे हैं और देख रहे हैं क्या क्या चीज़ यहाँ मिलते हैं। तो ये गांव का ही मार्केट है और ऐसे ही मार्केट लगता है कस्बों में, और इस टाइम हम लोग मछली खरीदने के लिए आ गए हैं और मछली देख रहे हैं और आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये पापलेट है ना, वही तना है देखो कितना वजन बढ़ता है। ये क्या भाव देते पचास ग्राम तो कटवे नहीं बताओ ये भाव
अब कहा बताए 50 ग्राम और रोक दो तब बहुत ने बताओ ना है ना 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 कहा तब कहाँ वहाँ 50 ग्राम तो लगाई दी बताओ हमें कहाँ लाग गए 50 लगाया हूँ क्या पैसा बना बढ़िया साहब ने क्या है मदन फेमस हो यहाँ आदमी जानता है दूर दूर तक इस बंदे से पूछा तो ये बता दीजिए क्या है वो जानी तो सब यहाँ पे तो गाइस ये गांव की मार्केट है इस मार्केट में हम लोग लेने आए हैं मछली के लिए और यहाँ पे एक भाई साहब मछली छील रहे हैं जो 212 220 रुपए किलो के हिसाब से ये मछली छाली गई है खतरनाक गरियावत है वो करके अब हम लोग निकल रहे हैं भोजपुर की ओर और भोजपुर का लोकेशन दिखाएंगे और इसी वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो गांव का अपने घर पहुँचे हैं एक दूसरा घर है और तो देख लो गांव का माहौल कैसा है गए हो नेटा में भेज दिया मम्मी बोल रहा था का चाहिए वीडियो देखे का है नेटा में अच्छा राजा बाबू पूछिन और का देखे के बताओ और कुछ नहीं देखे के बताओ का देखे के बताओ पिक्चर देखे के अच्छा और का देखना है बताओ कुछ नहीं अपन नाम बताओ का है शुभम तुम्हारा नाम का है टक्टर और तुम्हारा नाम का है मेरा नाम शिवम गुप्ता क्लास थी मेरा नाम पूरा नाम तो फिर से नाम बताओ अपन टक्टर सत्यम बोल ले अच्छा सत्यम ए भैया ये सत्यम इनका नाम है इनका क्या नाम है शुभम इनका नाम है इनका टक्टर नाम है शिवम हीरो मेरा नाम है तो भैया जितने लोग देखने वाले हो तो इनको टक्टर के नाम से फेमस है ये और इनको देखते रहना है अभी थोड़ी देर में इनको हम दिखाएंगे इन्हीं के मोबाइल में तो देखो और कहा कुछ बताओ मेरा नाम शिवम हीरो है कौन सा कक्षा में हो 3 तू कौन कक्षा में हो 1 भविष्य में ये लड़का हम गोद ले तुम समझ लियो तो तुमका एक लड़का देख पड़ जाए मैं बहुत देर से सोच रहा था ये बात यही ले जाइए अपने तो देखो भैया कितना खुद नसीब हूँ कि तीन तीन ऑलरेडी मिल गए हैं कहीं से लाने की जरूरत नहीं मिलेगी समझो तो 3 बच्चे तैयार है हमारे साथ जाने के लिए हम जीप चलाई हम जीप चलाई डाल अब खाना बनाए भेज दिया ये दीप चलाई है और अभी तक डाला तो देखो मेरे पास एक मेरे घर में एक मछली आवा है तो गाइस वीडियो बने रहिएगा वीडियो को देखते रहिएगा ऐसे ऐसे बच्चे तो ये ले जाएंगे इनके पिताजी जो है उन्होंने कह दिया कि भैया ले जाओ
शुभम है, शुभम। और ये कौन है? इनका नाम छत्तम है, शुभम। देख लो भाई सर, हमें लड़ाई होने जा रहा है, देखिए लड़ाई होने जा रहा है, देखो लड़ाई हो रहा है। शुभम देख लो भाई साहब, मामा मेरे आया भोजपुर आया है। गेम खेल रहे, देख लो मोबाइल, अर्ध मोबाइल देख लो। हम तो बोले, हम तू बताओ। अरे इच्छा बुलवा इससे, गेम खेल रहे का, देखो बोलो यार, किस वाला गेम? चलो बोलो, आ देख लो क्या बोली यार। मेरे घर में एक मामा है, क्या है? दो मामा है, दो और देख लो गेम खेल रहे हैं। ये कहानी रहा, लेके जा रहे थे मछली धोने, और ये भैया तरिया छीन दी। अभी और दिखाते हैं, देख लो भाई साहब, एक मामा वहाँ पे बैठे हैं, और पांच मामा देख लो मछली धोने जा रहे हैं। हे सब नहीं बोलो, देखो भाई, देख लो शुभम भाई आठ हो गए, सत्यम भाई खेलने जा रहे हैं। शुभम है, शुभम। और ये कौन है? इनका नाम छत्तम है, शुभम। देख लो भाई साहब, लड़ाई होने जा रहा है, देखिए लड़ाई होने जा रहा है, देखो लड़ाई हो रहा है। शुभम देख लो भाई साहब, मामा मेरे आया भोजपुर आया है। गेम खेल रहे, देख लो मोबाइल, अर्ध मोबाइल देख लो। हम तो बोले, हम तू बताओ। अरे इच्छा बुलवा इससे, गेम खेल रहे का, देखो किस वाला गेम? चलो बोलो, आ देख लो क्या बोली यार। मेरे घर में एक मामा है, दो आठ लेने, और देख लो गेम खेल रहे हैं। तो ये कहानी रहा, लेके जा रहे थे मछली धोने, और ये भैया तरिया छीन दी। अभी और दिखाते हैं, देख लो भाई साहब, एक मामा वहाँ पे बैठे हैं, और पांच मामा देख लो मछली धोने जा रहे हैं। हे सब नहीं बोलो, देखो भाई, देख लो शुभम भाई आठ हो गए, सत्यम भाई खेलने जा रहे हैं।
तो गाइस इस टाइम मछली धो चुके हैं और ये अब भाई साहब खड़े हैं धो भाई के, अब ये जाएंगे बनाने के लिए। ये धो धाय के तैयारी की नहीं अभी तक के, धो रहे ना अब जाते हैं मछली बनावे। तो आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे और देखते रहना। तो आज मछली की पार्टी हो रही है और मछली बनने जा रहा है, लगे हैं धुलाई करे भैया। अरे ये देखो ये बड़ी बारात हमारे पीछे खड़ी है और लगे हैं तब से। हाँ मामा यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कहाँ से आए, कहाँ से आए, लखनऊ से आए हैं, रेलगाड़ी पकड़ से आए हैं, पिछपड़वा पिछपड़वा से मेरे पापा बैठा लेकर भोजपुरी चौराहा पर आए हैं। देख लो गोश्त तल रहे हैं, मछली तल रहे, मछली देख लो, देख लो देख लो देख लो, बिरयानी 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 देख लो देख लो, तो देख लो इनको फोटो छाप लेता हूँ, देख लो इसको, देख लो यहाँ पे यहाँ से तंगा रहे हैं, देख लो आग भी भर रहा है, मसाला भी पीस रहे हैं, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो उनके फोटो भेजूर बना रहा है। एक बहन मेरी बैठी है, चेहरा लगूर। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं भोजपुर, और ये गांव है और जहाँ हम मिलने आए हुए थे वो मदन गोपाल का है। इत्तफाक से निकल भी आए निकल भी आए, नाम ही ले रहे थे हम अपने आप लपे से निकल ही आए हैं। यही है जिसे मिलने के लिए हम उतरौला से इतना बड़ा सफ़र करके हम यहाँ तक के पहुँचे हैं, और इस गांव इस घर पे आना था और पूछ के मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ जो वीडियो में आपने देखा। और ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और सबसे खतरनाक बच्चा जो है ये बैठा है, ये सबसे खतरनाक बच्चे हैं, खतरनाक हो कि नहीं? नहीं। अरे तो तू बोलो बोलो यार, कुछ कहोगे इनको, इनको कुछ बोलो, इसको बोलो इनका कहो हाय दोस्तों, बोलो तो हाय दोस्तों, बाय 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 बाय। कहाँ के मामा? काफी बना हुआ है, कितना खाते हो यार तुम? देख लो तो, यही है गांव की तंबाकू बनाने जा रहे। ये था गांव का लोकेशन और यहाँ पे हम घूमे और बाजार मार्केट सारी भी देखी हमने, और जिसके वजह से हमें बड़ा सुकून मिला और बार बार आने का दिल करेगा कि जब ऐसे एरिया में आना हो, शहर छोड़ करके गांव में आना होता तो बहुत खुशियाँ होती हैं, तब घूमने का मज़ा कुछ और होता है। तो ये मदन भाई साहब है, और मदन कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं कि आप क्या कारोबार है आपका, क्या करते हैं आप, क्या कारोबार है आप? तो भाई ये अभी शर्मा रहे हैं कुछ बोलने में, नहीं बोल नहीं पा रहे हैं, हालांकि इनका कारोबार यही है कि इनका जो गांव का ही खेत खलियान का काम ये करते हैं ज़्यादातर, और बस अपने घर में ही रहते हैं और परिवार को इस तरह से जिया रहे हैं या पाल रहे हैं जैसे भी है। बहुत संघर्ष ये भी करते हैं, जितना इन्होंने संघर्ष किया होगा शायद किसी ने किया होगा। इनके बारे में भी मैंने बहुत 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 सुना था, फर्स्ट टाइम कभी मुलाकात जब हुई तब मैं इनके पास आने लगा, इत्तेफाक से ये हमारे बहन के ही दामाद निकले और फिर उसके बाद में हम इनसे मुलाकात करते रहे और कई बार इनके पास आए, और इन्होंने इस तरीके से हमारा सेवा किया है कि हम क्या बताएं, इतना तो हमने कभी किया ना होगा। तो ऐसे इंसान के पास आना, हर आदमी को मन करेगा कि ऐसे इंसान से मुलाकात करो, उनको पहचानो और इनको इज्जत करो।
तो जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं इनको कमेंट से ज़रूर बताना इनकी बातें, हम जो भी आपके दिल में हो बताइएगा ज़रूर कि ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो इनकी फैमिली यही है, इनके बच्चे हैं और घर गांव ये सब मैंने आपको दिखाया। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ और अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग्स के साथ में। और मेरे चैनल को बस सपोर्ट की ज़रूरत है, बस बढ़ाते रहिए, आपका प्यार मिलता रहे, आगे आगे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत। आरजी टेक्निकल जहाँ रहेगा वहाँ तहलका मचाता रहेगा और जय हिंद जय भारत कहता रहेगा। धन्यवाद।